सी अगर दिल्ली ड्रैगन की बात करी जाए, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो दिल्ली ड्रैगन्स कभी हारे नहीं थे एंड अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच हम चेन्नई से हार गए हैं एंड इट वाज वेरी सैड फॉर अस बट देन हमारे ओनर्स इतना हमें मोटिवेट करा उन्होंने रात को कि वी आर बैक विद अ बैंग एंड फॉर श्योरली विल विन दिस कप अगेन एंड दिल्ली ड्रैगन्स विल श्योरली रेज द कप. सी जब मैं छोटा था तो मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता था रॉबिन सिंह को, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट फील्डर. फिर ऑब्वियसली जॉन्टी रोड्स, मगर वो दूसरी टीम के, ही वॉज द बेस्ट वन. अगर अभी फिलहाल इंडियन टीम की मैं देखूँ तो मोस्टली सभी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं एंड हमारी इंडियन टीम इज ऑब्वियसली द बेस्ट एंड सारे ही फील्डर्स मैंने अभी तक किसी को ऐसे मिसफील्ड या करते हुए नहीं देखा. एवरी वन ट्राइज देयर बेस्ट एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट. एंटरटेनिंग की बात करी जाए तो मेरे से ज़्यादा कोई एंटरटेनिंग है नहीं. अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट पता नहीं आपको कोई और लगे. और अगर फील्डर की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दे देना चाहूँगा पुरू को, बिकॉज ही इज़ द विकेट कीपर और मैंने जो वो सेव्स उसने करी हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली सारे बॉलर्स स्विंग बॉलर्स हैं और एकदम से बॉल घूम जाती है जो बैट्समैन कंफ्यूज होता है. एंड मैंने अभी तक नहीं देखा पुरू को कि कोई भी उसने स्टंप, मतलब कितनी स्टंपिंग कर चुका है, कितने, और एक भी बॉल नहीं छोड़ता वो पीछे. सो आई थिंक फ्रॉम माय टीम पुरू इज द बेस्ट फील्डर. और प्रिया वारियर जो है इंटरनेट पर ट्रेंड हो रही है, कौन सी प्रिया वारियर करके एक लड़की है जो साउथ की, हाँ वो ट्रेंड हो रही है होती रहे, जब हम ट्रेंड होंगे तब मैं बात करूंगा. मेरे को क्या लेना यार, एक विंक करके आप ट्रेंड हो रहे हो, सो हैट्स ऑफ टू इंडिया कि वो उसको इतना करवा दिया. बट देन जब मैं आऊँगा तब देखी जाएगी, अभी मेरे को कोई बात नहीं करनी उसके बारे में. थैंक यू थैंक यू. क्या करूँ? अच्छा आजा निपटा लेते हैं, उधर ही रखना. पुराने दो दोस्त, इस साल आप दोनों की टीम बहुत अच्छा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे और आज के फोटोशूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फोटोशूट हो रहा है और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फाइनल्स हम भिड़ेंगे दोबारा और वी विल किक देयर एस. देखो पिछले मैच में इसने मुझे बोला था विल किक योर एस, बट क्या हुआ, किसकी कैस एस किक हुई. वो तो किस्मत भी कभी कोई चीज होती है, गलती से जीत जब हार जाते हैं तो लोग बोलते हैं किस्मत भी कोई चीज होती है. नहीं होती, ये गलत बात नहीं होती. मैंने तुझे कभी कुछ बोला है? मैंने कभी बोला है? ये मेरा प्यार है दू. नहीं, हम लोगों ने अच्छा गेम खेला और हमेशा आगे भी अगर हम भिड़ते हैं फाइनल में तो अच्छा ही खेलेंगे, अच्छा और फेयर गेम खेलेंगे हम और अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे. क्या स्ट्रेटजीज होती है जब टीम मैदान में उतरती है खेलने के? बस खेलना है, अच्छा खेलना, ये एक स्ट्रेटजी होती है, बेसिक्स को फॉलो करना है क्रिकेट के. इनका ये रहता है कि इनको मेंटली कैसे भी गिरा लो. हाँ ऑफ कोर्स, जब ये पार्ट एंड पार्सल है, जब डगआउट्स बिल्कुल पीछे हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दूसरे के बैट्समैन को थोड़ा बहका सकते हो तो क्यों नहीं करेंगे. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. एग्जैक्टली. ओके, सो अकॉर्डिंग टू, हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर पर्टिकुलर टीम? इन माय टीम? या इन माय टीम, नो, इनकी टीम में मैं बताऊंगा, तू मेरी टीम में बता. चल ठीक है, दैट विल बी बेस्ट, बिकॉज़ अपने मुंह से अपनी टीम के लिए क्या बता. मुझे तो इनकी टीम की दोनों लड़कियां बहुत पसंद है, फिरोजा एंड अदिति. और इनकी टीम में मुझे एक तो श्रुति, क्योंकि वो हमारी टीम का पार्ट थी, वो बहुत अच्छी बॉलर हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है,
और दूसरा एक है उदय तिवारी yes. जो कि बहुत 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 अच्छा क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छा लड़का है. तो दो लोग मुझे, ये तो है ही मेरी पसंद, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन एज ए क्रिकेटर वो दोनों बहुत अच्छे. पार्शियल नहीं होना चाहता, बायस्ड नहीं, बायस्ड हम बिल्कुल नहीं. निकलते मुझे मारने लगे. थैंक यू विशाल. किसके बारे में? अच्छा ये हम भूख लगे तो खाना खिलाओ. ये BCL का फोटोशूट है, बॉक्स क्रिकेट लीग 3rd सीजन में है और दिल्ली ड्रैगन्स 2 साल से चैंपियन रही है. ये हमारा 3rd साल है. दिस ईयर विल बी अ हैट्रिक अगर हम BCL जीतते हैं तो. अभी तक 15 मैचेस जीते हैं और कोई भी मैच हारे नहीं हैं. आपकी कितनी अलग स्ट्रेटजीज होती है बाकी टीम्स के कंपेयर करें, बिकॉज हमेशा से आप जीतते आते हैं. हमारी टीम की स्ट्रेटजीज मैं ही बनाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो द कोच ऑफ दिस टीम. आई एम बींग अ प्लेयर, आई हैव एक्सपीरियंस 2 ईयर्स ऑफ BCL एंड दिस ईयर आई एम ऑल्सो कोचिंग द टीम, सो आई एम हेडिंग टीम दिल्ली ड्रैगन्स. हम स्ट्रेटजीज बहुत बनाते हैं. हम पिछले 2 साल से सिर्फ स्ट्रेटजीज पर ही BCL जीत रहे हैं. हर मैच में हर टीम के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. कहीं हम अपनी बैटिंग पे काम करते हैं, कहीं हम अपनी बॉलिंग पे काम करते हैं. जैसे अब शायद सेमीफाइनल्स में हमें मुंबई मिलेगी तो हम अपने बैटिंग पे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि मुंबई की बॉलिंग बहुत अच्छी है. सो डिपेंडिंग ऑन किस टीम को हम फेस कर रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनते हैं. बहुत मेहनत करते हैं सारे एक्टर्स. मैं एक्टर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स नहीं. और एक्टर्स जब क्रिकेटर्स बन के खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आपके हिसाब से कौन से ऐसे बेस्ट एक्टर्स हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं? कौन से एक्टर्स हैं जो बेस्ट प्लेयर्स हैं? बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे हैं प्लेयर्स हैं. यू विल बी शॉक्ड टू सी देम प्ले. सुयश राय है, आदेश चौधरी है, पुरु छिब्बर है. लड़कियों में अदिति गुप्ता है जो माइंड ब्लोइंग है. शिखा सिंह है जो बहुत अच्छा खेलती हैं. फिरोज़ा खान है जो बहुत अच्छा खेलती हैं. पारस बब्बर है जो बहुत अच्छा खेलते हैं. देर इज़ दिस गाय हु इज़ प्लेइंग इज़ 1st सीज़न, पहले सीजन में खेल रहे हैं, पठान, वो बहुत अच्छा खेलते हैं. तो काफ़ी एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं. दिल्ली ड्रैगन्स को कॉम्पिटिशन सिर्फ एक ही टीम दे सकती है, खुद दिल्ली ड्रैगन्स, क्योंकि अभी तक 15 मैच खेले हैं, एक भी नहीं हारे हैं. दिल्ली ड्रैगन्स 2 साल से ये टूर्नामेंट जीत रही है. तीसरे साल वी आर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स. तो अब तब जब तक कोई और टीम हमें हराए नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई टीम हमें टफ चैलेंज दे सकती है, हरा सकती है. दिल्ली ड्रैगन्स को सिर्फ दिल्ली ड्रैगन्स हरा सकती है. लेकिन क्रिकेट है, गेम है, वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ऑन ए गिवन डे अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेले तो हम खुशी खुशी हार मान लेंगे. BCL का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैंने जो 3 साल से देखा है. मैं 3 साल से BCL खेल रहा हूँ. सारी दूसरी टीम्स जो हैं, 10 की 10 टीम्स हमारे अलावा बाकी 9 टीम्स जो हैं, उनका यही मकसद होता है कि किसी भी तरह हम दिल्ली को हरा दें. और दिल्ली का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम जीत लें. तो शायद जिस दिन बाकी टीम भी ये सोचने लगेंगी कि वो जीत जाएं, वो जीत जाएंगे. हाय, दिस इज विकास गुप्ता. और जितनी भी खबरें वायरल हो रही हैं बॉलीवुड की, टेलीविजन की या डिजिटल स्पेस की, आप देख सकते हैं वायरल बॉलीवुड पे. स्टे ट्यून्ड.